ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। तो कोई भी मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, एक होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। मान कि H2O लिक्विड है आपके पास, ठीक है, आपको यह देखना है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो आपने इसको हीट किया और आपको पता चला कि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बट अगर मैं H2O गैस या तो वेपर की बात करूं तो उसमें भी उसका फॉर्मूला तो क्या रहता है, H2O ही रहता है। यहां पे भी फॉर्मूला क्या हुआ, H2O ही हुआ। ठीक है, अगर मैं मुझे देखना है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सपोज, राइट, तो मान कि मैं उसको धीमे 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 ठंडा कर रहा हूं, मुझे पता चला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो H2O सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, आइस बन गया। लेकिन जब वो आइस फॉर्म हुआ तो उसमें भी उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो तो क्या रहा, H2O ही रहा। यानी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी जब आप मेजरमेंट करने जाते हो तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। सो द प्रॉपर्टी विच कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यानी जब मैंने उसका मेल्टिंग पॉइंट मेजर किया, मैंने उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया, मैंने उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेजर किया, कुछ भी जब मैं मेजर कर रहा हूं तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हो रहा है। जब मैं H2O लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट किया तो भी H2O ही रहता है, जब मैं उसको आइस में कन्वर्ट किया तभी वो H2O ही रहता है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता हो, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या व्हाटएवर, ऐसी सभी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट जो होती है, राइट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो आप तब मेजर कर सकते हो जब आप कोई कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हो और उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे देखना है कि मीथेन का कंबशन करने से क्या मिलता है, तो जब मैं मीथेन का कंबशन करता हूं तो मुझे CO2 प्लस वाटर मिलता है, यानी मेरा जो रिएक्टेंट था वो कुछ अलग है और मेरा प्रोडक्ट जो है वो कुछ अलग है। यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है। जैसे मुझे चेक करना है कि NaOH एसिड और बेस, तो मैं अगर उसकी रिएक्शन HCl के साथ करता हूं और मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिलता है तो प्रूव होता है कि हाँ भाई NaOH बेस होगा, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन करने से सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहां पे भी देख सकते हो आप कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर बाय केमिकल रिएक्शन, जैसे कि कंबस्टिबिलिटी, मीथेन का कंबशन किया उसका कंपोजिशन चेंज हो गया, मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिटी, ये सब में केमिकल रिएक्शन होती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसका मेजरमेंट आप पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से कर सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर आप एग्जांपल देखो तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो उसकी एसिडिटी, उसकी बेसिटी, उसकी कंबस्टिबिलिटी, फिर रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, रिएक्शन विद कार्बोनेट एक्सेट्रा, बहुत सारी रिएक्शन आती है। ठीक है, उसमें